मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का ऑर्गेनिक किचन गार्डन में स्वागत है। और आज का वीडियो हम दिखाएंगे हार्वेस्टिंग पे। देखिए कितनी अच्छी भिंडी लगी हुई है और अभी इनमें मिलीबग भी स्टार्ट हो गया है। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। अब नीम ऑयल का स्प्रे भी करना होगा इन पर और बायो एंजाइम का भी, तभी ये जाएंगे, नहीं तो पूरे प्लांट्स को ख़राब कर देंगे। इतनी सारी भिंडियाँ लगी हुई हैं, अभी मैं आपको हार्वेस्टिंग करके दिखाती हूँ। और यहाँ पर आप साइज़ देखिए कितना अच्छा हो गया है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी लगी हुई है भिंडियाँ। तो फ्रेंड्स, प्लांट का साइज़ देखिए कितने लंबे हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबाई पे गए। अभी तक यही हार्वेस्टिंग हुई है, अभी और भी बहुत दबाती है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े साइज हो गए। सिर्फ दो ही दिन हार्वेस्ट नहीं करेंगे ना, तभी इतना बड़ा साइज हो जाता है इनमें। यहाँ पर देखिए कितना अच्छे हो गए हैं ये। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए अभी विंटर की वेजिटेबल की तैयारियाँ मैंने शुरू कर दी है, इसलिए अभी भिंडियों पे ध्यान नहीं गया। और ये इनका साइज काफ़ी बड़ा हो गया है। ये हो चुकी है हमारी भिंडी की हार्वेस्टिंग। देखिए कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है। और फ्रेंड्स, ये है करेले की बेल, इस पर रोग लगने लगा था, पत्तों के पीछे बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे इस पर, तो मैंने इसको कट करके और निकाल के फेंक दिया था। मतलब पूरा कट नहीं किया था मैंने इसको, यहाँ से कट कर दिया था। अब ये देखिए फिर से अच्छी हो गई है, दोबारा से फ्लावरिंग हो गई है इसमें, और अभी ये काफ़ी हेल्दी भी दिख रही है। ये देखिए धारी वाली तोरी, आज ये मेरी इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग है। ये देखिए और ये देखिए फ्रेंड्स, दो यहाँ पर लगी हुई है, इनका काफ़ी अच्छा साइज हो गया, अभी निकालने जितना हो गया है, इतना अच्छा हो रहा है अभी। अब मैं इनको हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये आज हमने तोरी की हार्वेस्टिंग की है, चार तोरी तुरई लगी हुई थी, और अभी लौकी की करते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिएगा आप, ये है गोल वाली लौकी। आज तो नहीं करूँगी क्योंकि मैं थोड़ा छोटा साइज है इसका, तो हम इसको कल हार्वेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर एक और लगी हुई है, देखिए। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लौकी तो कितनी सारी लगी हुई है, काफ़ी अच्छा साइज है इसका भी। और एक यहाँ पर लगी हुई है, और ये देखिए एक नेट के नीचे लगी हुई है, इतना अच्छा साइज है इसका भी। अभी मैं इनको कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने विंटर की वेजिटेबल की तैयारियाँ शुरू करनी कर दी है। यहाँ पर मूली, सलगम और गाजर लगाएंगे हम, तो ज़मीन में अगर हमें लगाना होता है तो इस तरह करना पड़ता है। यहाँ पर बीच में कुछ गैप नालियाँ जैसे बनानी पड़ती है, ताकि इनमें पानी दिया जाए और ऊपर देने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि विंटर की वेजिटेबल्स होती हैं उनमें कम ही पानी लगता है। देखिए अब इसमें ऊपर खाद डाल के और सीडलिंग कर देंगे शाम को। और यहाँ पर देखिए, ये मेरी कद्दू की बेल है जो काफ़ी हेल्दी है अभी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही लगाई थी और अब इसमें कद्दू लगने भी शुरू हो गए हैं, कुछ दिन बाद हार्वेस्टिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी इसे। यहाँ पर देखिए, और ये रेड वाली भिंडी है फ्रेंड्स, छोटा साइज है अभी। और ये देखिए बीन्स, इनकी तो पूछे ही बात ही, तो इतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा। चाहे तो आप इनको डेली हार्वेस्ट कर लो। सुबह सुबह देखिए इन पर फ्लावरिंग कितनी प्यारी आती है, वाइट पर्पल लाइट में एकदम से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये, बहुत ही, और बहुत इजी टू ग्रो है। कितने सारे लगे हुए हैं, अब मैं इनको हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। देखिए कितनी सारी लगी हुई है एक ही जगह पर, और कुछ ज़्यादा ही मैंने प्लांट्स लगा दिए शायद, इसलिए ज़्यादा ही हो गई है ये। आप लोग भी अभी विंटर की तैयारियाँ शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स,
सब्जियां लगाने के लिए। देखिए कितने सारे निकलते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इनमें कोई रोग भी नहीं लगता। मैंने तो कई बार ग्रो की है ये बीन्स, इसमें कोई ऐसा रोग भी नहीं लगता है और काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग होती है इनसे, और हेल्दी तो है ही बीन्स वैसे भी, तो आप इन्हें अभी भी लगा सकते हैं। ये लोबिया की बीन्स हैं और अभी फ्रेंच बीन्स लगाऊंगी मैं, क्योंकि अभी सभी जगह कुछ ना कुछ लगा हुआ है तो मेरे पास जगह खाली नहीं है। और जो है उसमें मूली, गाजर, शलगम लगानी है मैंने, जो अभी आपको क्यारी दिखाई थी जिसमें विंटर की वेजिटेबल्स लगानी है। ये देखिए उसके फ्लावर, देखिए सुबह सुबह बहुत ही प्यारे होते हैं, छोटे छोटे ग्रीन में पूरा वाइट वाइट, पर्पल, लाइट पर्पल, एकदम बाहर सी आई हुई होती है। मॉर्निंग में बहुत अच्छे लगते हैं ये, और ये शाम को येल्लो हो जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये पक गई है, इनमें अभी सीड्स भी तैयार होना शुरू हो गया है, क्योंकि दिखाई नहीं हो पड़ती है इतनी ज़्यादा गहरी प्लांट्स लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो नीचे है वो तो पता ही नहीं चलता है। ये देखिए इनमें नीचे जो होगी बीन्स बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, इतनी सारी लगी हुई है। ये देखिए अभी तक मैंने इतनी हार्वेस्टिंग कर ली है, और इससे भी कहीं ज़्यादा और लगी हुई है। यहाँ पर देखिए कितनी सारी लगी हुई है, कितनी देर से मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ इनकी, और इनकी हार्वेस्टिंग ही नहीं हो पा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा लगी हुई है ना। अभी नहीं निकालूंगी तो ये फिर पक जाएगी। धूप तेज हो गई है अभी फ्रेंड्स, और मेरा फ़ोन भी गर्म हो गया है। सारी लगी इसमें चीटियाँ भी होती हैं छोटी छोटी, ये तो होती ही है, वैसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, पर ये बीन्स पर होती है। मैंने पिछले साल ग्रो की थी तब भी थी ऐसे। ये देखिए ये छोटी 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 चीटियाँ से, फिर देखिएगा ये है ग्वार की फली, ये भी बहुत अच्छी लगी हुई है। ये देखिए इतने सारे गुच्छों में लगी हुई है अभी। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लगी हुई, पेड़ गिर गए नीचे क्योंकि बारिश तेज आई थी, उसकी वजह से इसके काफ़ी लंबाई में चले जाते हैं ना पेड़, तो हवा चलने की वजह से और बारिश से ये गिर जाते हैं, लेकिन इनमें फ्रूटिंग में कोई फ़र्क नहीं होता। ये देखिए अभी भी कितनी अच्छी हो रही है, नीचे पड़े हुए हैं पेड़ ज़मीन में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं ये। मैं आपको दिखाती हूँ इनकी हार्वेस्टिंग करके, देखिए अच्छे गुच्छों में लगती है ये। मैंने देसी ग्वार लगाया था, ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरी आज की हार्वेस्टिंग, ये हार्वेस्ट की है मैंने ग्वार की फली जो काफ़ी है देखिए, और अभी और भी है लेकिन इतनी ज़्यादा एक साथ निकाल के फिर यूज नहीं हो पाएगी, तो मैंने जितनी ज़रूरत थी उतनी ही निकाली है। और तोरी दो लगी है धारी वाली, ये मैंने फर्स्ट बार ग्रो करी है अब की बार, ये तो नॉर्मल वाली तोरी जो आती है गिलकी वाली तोरी वही होती है, तो ये तोरियाँ हैं। और ये देखिए ये भिंडी, भिंडी का साइज़ देखिए, अगर हम एक ही दिन हार्वेस्ट नहीं करते तो इतनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ हो जाती हैं फ्रेंड्स। दूसरा और ये बीन्स है, ये बीन्स देखिए कितनी सारी है, बीन्स की अच्छी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और यहाँ पर ये तीन लौकी है, देखिए गोल वाली लौकी अभी लगी है लेकिन थोड़ा छोटा साइज है, उसको मैं बाद में निकालूंगी कल या परसों में।